क्या क्या मिक्स किए खिचड़ी में? खिचड़ी में मिक्स किए हैं आलू, सोयाबीन और दाल है, लाहर दाल, मसूर ये दाल। रहा दोस्तों सिलाई मशीन। और प्रीति जी कपड़ा सीती है कभी कभी, और अभी अपने सिलाई मशीन की पूजा कर रही है प्रीति जी। हम थोड़ा बदला बदला सा नहीं दिख रहे हैं जी आज? थोड़ा हाँ थोड़ा सा तो लग रहे हैं। सा लग रहे हैं। हाँ कैसे लग रहे हैं थोड़ा बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है नीतीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में सब खुश खुश होंगे। होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके। दोस्तों हमारी ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और दोस्तों आज 3 दिन के बाद सूर्य भगवान उगे हुए हैं, और अभी हल्का हल्का धूप निकल आया है दोस्तों। और आज विश्वकर्मा पूजा है, तो विश्वकर्मा पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों भी जाएंगे हम अपना बाइक लेके धोने के लिए नदी, और प्रीति जी भी नहाने जा रही है। नहाने से पहले हमको मशीन धोना है, सिलाई मशीन, और सारे सामान है, हाँसू टांगी सब है, वो सब धोना है, धो के हम रखेंगे। साइकिल है पापा वाला, वो भी धोना है। तब तक मेरे हस्बैंड भी धो के आएंगे बाइक, उसके बाद हम भी नहाएंगे और ये भी नहाएंगे, साथ में पूजा करेंगे दोनों को ही। और आज विश्वकर्मा पूजा भी है। विश्वकर्मा पूजा है तो आज मौसम भी साफ कर दिया है, तीन दिन हवा से चल रहा दिन। है लेकिन हल्का धूप निकला हुआ है, अब देखते हैं कब तक ये मौसम रहता है। और अगर धूप निकला रहा तो कल मड़ुआ भी काटने जाएंगे। कल मड़ुआ काटने जाएंगे। दोस्तों अभी चलते हैं अपना सनी देओल हीरो बाइक लेके। दोस्तों आ चुके हैं बाइक धोने के लिए नदी, और आज का मौसम दोस्तों बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज सूर्य भगवान उगे हुए हैं लगभग 3 दिन के बाद। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, और ये लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। मेरा घर से बस थोड़ा सा दूर पड़ता है, और यहीं पे अभी हम बाइक धोएंगे। अभी आप लोगों को नदी का नज़ारा दिखाते हैं और इस जगह का खूबसूरती दिखाते दोस्तों। और ओ रहा नदी दोस्तों, देख सकते हैं। और देखिए सूरज भगवान अभी दिख रहे थे लेकिन बादल से भी छुप गए हैं, हल्का हल्का दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अभी एक इधर से पानी जा रहा है नीचे, और नदी देखिए। और अभी दोस्तों हम बाइक धोएंगे यहीं पे, ऊपर में ही धोएंगे, नीचे लेके नहीं जाएंगे। तो आगे गए रहते तो वहाँ पे रास्ता है, वहाँ पे धो सकते थे लेकिन पानी बहुत तेज है। तो अभी सोचे भी थोड़ा सा जो पानी जा रहा है इसी में धो लेंगे, और धोने के बाद फिर चलेंगे दोस्तों घर। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बाइक लगा दिए हैं धोने के लिए, लगा चुके हैं स्टैंड में, खड़ा कर दिए हैं और धोएंगे। और यही मेरा दोस्तों सनी देओल हीरो वाला बाइक यही है, जो कि सेकेंड हैंड बाइक लिए हुए थे। मस्त जगह है, अभी हवा चल रहा है एकदम, तो बड़ा मस्त लग रहा है। और ये गांव का खूबसूरती है दोस्तों। तो फिलहाल आज जानते ही कि आज है विश्वकर्मा पूजा, तो विश्वकर्मा पूजा इसीलिए भी बाइक आए हैं धोने के लिए। बाइक तो ऐसे हमेशा धोते रहते हैं लेकिन आज स्पेशल खास दिन है, तो फिलहाल अभी चलते दोस्तों बाइक धोएंगे फटाफट से। बाइक को धो लिए हैं अपना सनी देओल हीरो बाइक, देखिए कैसा लग रहा है आप लोग धोने के बाद दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगा है धोने में, और हमेशा मेहनत से ही धोते हैं। तो अभी देखिए पूरा एकदम चकाचक हो गया है। तो अब चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और अब चलते हैं घर। दोस्तों घर आने के बाद नहा लिए हैं, नहा के एकदम फ्रेश हो चुके हैं, और मेरी धर्मपत्नी जी भी नहा ली है, वो पूजा कर रही है। और इधर देखिए दोस्तों बाइक खड़ा कर दिए हैं, और इधर साइकिल जी, और इधर सारा पूजा का सामान। दोस्तों अब चले पूजा करने के लिए बाइक का, और तिलक मेरी धर्मपत्नी जी लगा दी माथे पे, तो अब चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं पूजा कर लिए हैं साइकिल का, और इधर अपना बाइक का भी पूजा कर लिए हैं दोस्तों। और अब प्रीति चली अपना सिलाई मशीन का पूजा करने के लिए। अभी सिलाई मशीन का पूजा करने के लिए जा रही है प्रीति जी। ये तराजू है, और इधर धान काटने वाला हाँसू,
बटखरा, बटखरा इसी को बोलते हैं ना। ये रहा दोस्तों सिलाई मशीन। और प्रीति जी कपड़ा सीती है कभी कभी, और अभी अपने सिलाई मशीन की पूजा कर रही है प्रीति जी खुद से। हम अपने बाइक और साइकिल का पूजा किए दोस्तों। पूजा करने के बाद अब चले खाना खाने के लिए, क्योंकि बज चुका है दोस्तों 10:30, और अब पहले जाते खाना खाएंगे, बहुत जोर से भूख लगा है। और ये स्पेशल क्या बनाई आज मेरी धर्मपत्नी जी, देखिए बनाई है खिचड़ी, और इधर अपने लिए अचार। हमको अचार क्यों नहीं दिया जी? आप बोले नहीं खाएंगे। हो, हम बोले थे, हमको याद नहीं है। आप तो बहुत कम अचार खाते हैं। कम अचार खाते हैं, लेकिन खिचड़ी के साथ अचार खाने में मजा आता। आम का अचार है ना, ला दे रहा आपके लिए। ला दे रही है। कैसे कैसे क्या क्या बनाई है, क्या क्या मिक्स किए खिचड़ी में? खिचड़ी में मिक्स किए हैं आलू, सोयाबीन और दाल है, लाहर दाल, मसूर दाल, इतना ही चीज मिक्स किए हैं। मजा आएगा खाने में खिचड़ी। चलते खाते हैं। थोड़ा सा ही दे दो ना तोड़ के। हाँ थोड़ा सा दे दो। वाह हो गया, ज़्यादा अचार क्यों खाएंगे, बस इतना में हो जाएगा। दोस्तों शाम हो चुका है, करीब 4 बज चुका है, और हम लोग आ चुके हैं दोस्तों इधर अपने खेतों तरफ। अभी रील्स वगैरह बनाएंगे थोड़ा, और हम लोग एक नया चैनल स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है मैरिज लाइफ, जो कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों। आप लोग जैसे इस चैनल को सपोर्ट किए, वैसे भी उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए ढेर सारा। और उसमें सिर्फ आएगा हम लोग का कपल्स कॉमेडी, हम लोग के साथ रियल लाइफ में क्या होता है उसको कॉमेडी के थ्रू पेश करेंगे। तो आप लोग देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। नया चैनल स्टार्ट किया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी रेगुलर वीडियोज़ पर नहीं अपलोड कर पा रहे, लेकिन रेगुलर अपलोड होता है। कभी एक दिन छूट जाता है, तो अभी रेगुलर आप कंटिन्यू करेंगे आज से। तो फिलहाल देखिए साथ में स्टैंड भी लेके आए हम लोग, एक स्टैंड हम लोग खरीदे हुए थे जो पहले आप लोग को दिखाए हुए थे कि यूट्यूब का पेमेंट आया था, तो हम लोग स्टैंड एगो खरीद लिए थे। तो अभी लेके आए हैं साथ में इधर मस्त, हम लोग अभी यहीं पे वीडियो बनाएंगे मजे से। और आप लोगों का तालाब है इधर, खेत है इधर, नीचे भी तालाब है, चारों साइड देखिए दोस्तों तालाब, नीचे भी एक तालाब, मम्मी वहाँ है, बकरी फूट के रखी हुई, वहीं पे बकरी भी चढ़ रही है। देखिए मम्मी दिख रही होगी, देखिए अभी मम्मी मेरी। हम थोड़ा बदला सा नहीं दिख रहे हैं जी आज? हाँ थोड़ा सा तो लग रहे हैं, थोड़ा सा लग रहे हैं। हाँ कैसे लग रहे हैं थोड़ा बताइए। हाँ दोस्तों आज मेरी धर्मपत्नी जी हमको पाउडर लगा दी है, तो इसीलिए थोड़ा वाइट वाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं। पॉन्ड्स का पाउडर जो हम लगाते हैं वही इनको भी लगा दिए। अभी चोटी भी बना दी थी लेकिन चोटी खोल दी, पहले खोल देते हैं क्या बोलेंगे लोग अगर बाहर निकलेंगे घर से, तो फिर कोई ना। तो चलते हैं जी, अब स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं एक दो वीडियो, फिर वहाँ पे घास भी काटना है तुमको, घास काट लेंगे। और आप लोग इंस्टाग्राम में भी जाके देखिए रील जो बनाते हैं, और इंस्टाग्राम का नाम है प्रीतिया 1614, और मेरा इंस्टाग्राम का नाम है नितीश प्रीति ब्लॉग 1614। मतलब हम लोग का दोनों अलग अलग इंस्टाग्राम है, लेकिन हम लोग दोनों साथ ही चलाते हैं। आगे तो तालाब कपड़ा धोने के लिए प्रीति जी, और साथ में हम भी आए थे। तो तालाब का नज़ारा आप लोग देख ही सकते दोस्तों, कितना भरा हुआ है, पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है। और तालाब के भरने के कारण से, और इधर देखिए बारिश के वजह से देखिए कितना सारा मिट्टी ढह गया, धस गया, देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक धस गया। हाँ जी लगता है तालाब फूट नहीं जाएगा, अगर तेज बारिश होगा तो दिक्कत हो जाएगा जी। वही तो लग रहा है, देखे ना कितना धस गया, बाप रे, हम तो आज देख रहे हैं, देखिए ये कले धसा हुआ है पूरा एकदम। तालाब फूटेगा तो पूरा एकदम भर जाएगा, इधर से तो वहां तक चल जाएगा, पानी सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ। तो दोस्तों अब चले घर, कपड़ा धोना हो चुका है, और मम्मी भी बकरी लेकर चली गई। चलिए अब खाना बनाने के लिए, अभी रात में खाना बनेगा रोटी। तो आज का ब्लॉग अब यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय जवाहर।